गाइस कैसे हो आप सब, बढ़िया होंगे। माय ब्लॉग चैनल SBN07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। गाइस आज मैं आप लोगों को अपने ग्राम पंचायत में बने गोठान को दिखाने वाला हूं। छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजना थी जो कि हर ग्राम पंचायत में बनाने का था। तो सो अपने ग्राम में भी मॉडल गोठान का निर्माण किया गया है। सो गाइस वहाँ पर जाके आप लोगों को दिखाऊँगा क्या क्या बना है क्या नहीं, जिसमें नरवा गरवा गुरवा भाड़ी शामिल है। तो वहाँ पर किस टाइप का काम किया जाता है और कैसे बनाया गया है स्ट्रक्चर, मैं उसको आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सो गाइस ये आप देख रहे हो मेरे पीछे में नागपनी का पौधा है जो कि बहुत ही काटेदार है, बहुत ही खूबसूरत सा नागपनी का पौधा है। देखिए तो वीडियो में बने रहिए। तो आइए चलते हैं गाइस गोठान की ओर। गाइस ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मेरे घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोठान। तो गाइस देख रही है यहाँ का नज़ारा, ये पूरा अपना गांव है। इधर देख सकते हो रोड के किनारे किनारे घर मन बना हुआ है। गाइस ये आप देख सकते हो इधर, यहाँ से लेफ्ट की ओर जाना है गोठान के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा इमली पेड़ गिरा हुआ है रोड में। तो इधर साइड से निकलते हैं भाई। आप देख सकते हो यहाँ से कच्चा रोड है, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित है गोठान। तो आइए चलते हैं गोठान। गाइस अभी मैं पहुंच गया गोठान है। आप देख सकते हो यहाँ पर गायों के लिए चारा लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं पौधा पूरा लंबा लंबा घास हो चुका है भाई। ये आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर तालाब खोदा गया था जो अभी हट गया है, अभी पानी नहीं है इसमें। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा प्लाट, यानी लगभग 2 से 2.5 एकड़ में पूरा घास लगा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये ग्राम गोठान छत्तीसगढ़ सरकार की नई योजना थी जिसमें नरवा गरवा गुरवा बाड़ी शामिल है। दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं इधर रूमन बने हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जो भी महिला सहाय समूह की महिलाएं हैं वो अभी यहाँ पर टमाटर बैंगन क्या क्या लगाए हुए हैं देख सकते हो। इधर दूर दूर तक ये पूरा इलाका लगभग 5 से 6 एकड़ में बना हुआ है वो दिख रहा है, वो शौचालय है देख सकते हो। यहाँ पर ये सौर ऊर्जा सोलर प्लेट भी लगाया गया है, आप देख सकते हो पानी निकालने के लिए लगाया गया है, इसमें बोर का खनन भी हुआ है। सो गाइस थोड़ा अंदर जाके देखते हैं यहाँ का नज़ारा है। आप देख सकते हो ये बटन ऑन करने का है जिसमें पानी निकाला जाता है। देखिए मिर्ची का पौधा बहुत सारा लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत सब्जी है, ये देख सकते हो कद्दू का पौधा, इधर लौकी का पौधा भी नज़र आ रहा है। बहुत सभी प्रकार के पौधे यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोग देख सकते हो। यहाँ की जो भी महिलाएं हैं समूह वाली यहाँ पर देख रेख करती है और यहाँ पर उत्पादन कर उन्हें मार्केट में ले जाकर बेचती है। गाइस ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तराजू लगा हुआ है जो कि गोबर लेने में काम आता है। शासन का निर्धारित मूल्य 2 रुपया है प्रति किलो गोबर। ये आप देख सकते हो यहाँ पर वर्मिटा का में सूखा हुआ गोबर को इसमें खाद बनाने के लिए रखा गया है भाई। ये आप देख सकते हो इस गोठान में 2 वर्मिटा का बनाया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर
एक मीटर का यहाँ पर 10 टंकी बनाया गया है, जिसमें सूखा हुआ गोबर को इसमें लगाकर खाद का निर्माण किया जाता है। देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, यहाँ पर जो भी समूह की महिलाएं हैं वे सभी यहाँ पर काम करती हैं। और यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, पपीता हो गया, आम, नींबू, सभी प्रकार के पौधे यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर पानी रखने के लिए बहुत बड़ा टंकी बनाया गया है। ऐसी टंकी लगभग 3 टंकी है इस गोठान में, ये आप देख सकते हो। गाइस ये आप देख सकते हो यहाँ पर सोलर लाइट की व्यवस्था की गई है, जो रात के टाइम में यहाँ पर जलता है। ये आप देख रहे हो मुर्गी सेट है, जिसमें मुर्गी पालन किया जाता है, और शायद अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इसमें मुर्गी पालने के लिए, तो भविष्य में करेंगे होंगे। आप देख सकते हो इधर पूरा गोठान को तारे जाली से फिनिशिंग किया गया है भाई, ये आप देख सकते हो। गाइस ये आप देख सकते हो इधर रूम बना हुआ है, एक रूम का यहाँ पर खाद आदि सामग्री रखने के लिए यहाँ पर रूम बनाया गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा मैदान है, यहाँ एक और सामने टंकी है, जाके देखते हैं यहाँ पर पानी है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर इसी प्रकार से किनारे किनारे सभी जगह टंकी बनाया हुआ है। गाइस इसमें तो अभी पानी है, ये आप देख सकते हो इसमें फुल पानी है, लगभग गहरा 5 फीट होगा, देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह। गाइस ये कचरा रखने के लिए बनाया गया है, यह गोठान का क्षेत्रफल लगभग 5-6 एकड़ में बना हुआ है, बहुत ही बड़ा गोठान है यहाँ पर।